हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब पे। दोस्तों आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू बीएससी मैथ एंड बायो ग्रुप के एंट्रेंस के लिए फिजिक्स की सीरीज चला रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसमें मैंने 2019 और 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के लगाए हुए हैं, जिसमें दो वीडियोज मैं बना चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियोज फिजिक्स बीएचयू एंट्रेंस के लिए बनाई हुई है, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके बीएचयू एंट्रेंस के लिए फिजिक्स का पोर्शन देख सकते हैं। इसमें मैंने थ्योरेटिकल वीडियोज भी बनाए हैं और बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2017 के पेपर्स में फिजिक्स के हैं उसमें से ये क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी मैथ्स ग्रुप या बायो ग्रुप का एंट्रेंस देने वाले हैं इस बार, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आप क्विक फॉर्मूला रिवीजन पे एक वीडियो ला दूं। जो टॉपिक मैं कवर नहीं कर पाया हूं उसके फॉर्मूलेज मैं डिस्कस कर दूं और उस पे कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जिससे कि आपको उन टॉपिक्स में भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2.25 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी 4। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जो कि होती है c=3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है कि मीडियम में, तो मीडियम में हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है c/n या c/√εr और μr। तो स्टूडेंट्स ये है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और म्यू आर जो है वो है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट और म्यू आर, और एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें पॉइंट्स भी बता दे रहा हूँ आपको। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू जो होती है वो सी के इक्वल होती है। कभी ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी की वैल्यू क्या है, तो ये ऑप्शन में देगा तो आपको वहां पे ट्रिक करेंगे 1/√ में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन मीडियम में पूछा हुआ है, तो मीडियम के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारा मीडियम के लिए फॉर्मूला है c/√ एप्सिलॉन आर म्यू आर। बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी स्टूडेंट्स b=c√2.25 जो की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, और यहाँ पे हम रख देंगे म्यू आर की वैल्यू जो हमारी रिलेटिव परमिबिलिटी है c/√9, तो आ जाएगा c/3। तो हमें सी की वैल्यू पता है स्टूडेंट होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी बी की वो हो जाएगी 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स हमारा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाई e=i⁴ 40 cos RZ minus 6 multiplied by 10⁸ t, where E, Z and T are in volts per meter and second respectively. The value of wave vector R is. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेव वेक्टर की वैल्यू पूछी हुई है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली जो इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है E नॉट, डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पे I कैप या J कैप यहाँ पे दी हो, cos KZ minus ओमेगा T। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे R दिया हुआ है और R की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये वेव वेक्टर है k=2 होता है ओमेगा बाई बी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ओमेगा जो है वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स 6×10⁸। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पे जो आपका k होगा या R दिया हुआ R की वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा बाई सी, क्योंकि स्टूडेंट्स बी हम मीडियम में यूज करते हैं तो जनरली हमारी जो वैक्यूम वेलोसिटी होती है वो सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जाएगा आर का वो हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू तो दी हुई है 6×10⁸, और जो स्टूडेंट सी की वैल्यू होती है हमें 3×10⁸ होती है, तो 6×10⁸ / 3×10⁸, तो 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 2 रेडियन पर मीटर होगा, रेडियन पर मीटर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस केस में भी, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिव एसएचएम इज इंक्रीज्ड बाय 21%। तो पेंडुलम की लेंथ को अगर 21% हम बढ़ा दें, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज लेंथ। तो स्टूडेंट्स कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा टाइम पीरियड उसका, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं पेंडुलम के लिए जो हमारा टाइम पीरियड होता है t=2π√LG। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए ये t1 हो,
तो T2 के केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो लेंथ है वो 21% बढ़ जा रही है, तो हमारा लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1.21L हो जाएगा, 21% बढ़ गई है जी। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1, और ये टोटल T1 के बराबर हो जाएगा, ये आएगा 2π√L/g। तो स्टूडेंट्स हमें अब क्या निकालना है, परसेंटेज ना इंक्रीज हुआ है, T2 - T1 / T1 × 100, ये परसेंटेज चेंज मिल जाएगा हमें इससे। 1.1 T1 आई है T2 की वैल्यू, यहाँ से देख सकते हैं आप, क्योंकि 1.21 का जो रूट होगा 1.1 होगा, तो T2 - T1, तो T2 की वैल्यू 1.1 T1 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा T1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाय देख लीजिए, यहाँ पे T1 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0.1 डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.1 T1 आएगा और T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 10%। तो स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट जो आया हमारा, जो इंक्रीज हुआ टाइम पीरियड, वो कितना हुआ, 10%। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम है, तो उसके लिए जो 2π√L/g होगा टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, या लेंथ देके आपसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस γ5/3 इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ अ डायटॉमिक गैस γ = 7/5, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोनोटॉमिक गैस है और डायटॉमिक गैस है, दो तरीके की गैसेस हैं, और गामा मिक्सचर का पूछा हुआ है हमसे। तो गामा मिक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर N1 मोल हो मोनोटॉमिक गैस का तो CP1 + N2 CP2, डायटॉमिक गैस का CP, और N1 CB1 + N2 CB2। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं CP होता है, वो होता है γ/γ-1R, और CB होता है R/γ-1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं CP1 और CP2, तो आप देख सकते हैं CP1 जो आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है CP1 के लिए, 5/3, तो 5/3 / 5/3 - 1R। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं 5/3 × 3/2R। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 5/2R। और CB1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, CB1 आ जाएगा आपका 1/5/3 - 1R। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी, R आपका ये होगा और ये आ जाएगा 2/3, तो 3/2R। तो CP1 और CB1 आपको मिल गया है। अब स्टूडेंट हमें CP2 और CB2 निकालना है, तो यहाँ पे मैं देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू, जो आप ध्यान रखें, तो अब मैं आपको बता दूं CP2 जो आएगा वो आएगा 7/5 / 7/5 - 1R। इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 7/5 × 5/2R, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/2R। तो स्टूडेंट यहाँ पे 7/2R आपको मिल जाएगा। अगर आप CB2, तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1/7/5 - 1R, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स 5/2R। तो स्टूडेंट इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे CP1, N1, N2 तो क्या है स्टूडेंट्स, 1 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप सारी वैल्यूज को रखते हैं तो यहाँ पे मिक्स जो गामा मिक्स है आपको मिल जाएगा, तो CP1 की वैल्यू आपको मिली थी कितनी, 5/2R, तो 2.5R आपको मिला था, प्लस CP2 की वैल्यू आपको मिली है 3.5R, क्योंकि 7/2R मिली है, और ये तो N1 N2 1 1 है, और CB1 की वैल्यू आपको मिली है स्टूडेंट्स 1.5R, और CB2 की वैल्यू आपको मिली है स्टूडेंट्स 2.5R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर हो जाएगा आपका 6R और डिवाइडेड बाई 4R, तो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा आंसर 1.5, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा, और तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने गामा मिक्सचर निकाल लिया है। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि CP1 CP2 के कैसे निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसीलिए सेपरेटली आपको फॉर्मूला बता दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर गामा दिया हो और आपको CP CB निकालना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.5। और N1 N2 यहाँ पे स्टूडेंट जो मोलों की संख्या है दोनों में 1 मोल ही है, तो इसलिए N1 1 और N1 लिया गया है स्टूडेंट्स, तो N1 N2 को 1 मोल लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग इनवर्स इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेंडिंग इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉपलर इफेक्ट से दिया गया है, डॉपलर इफेक्ट में, इसमें स्टूडेंट रेड शिफ्ट हमें दिखती है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, तो लाइट में जो डॉपलर इफेक्ट है उसकी उसको उसके ऑब्जर्वेशन से हम बता पाते हैं कि इनवर्स का जो है एक्सपेंशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमारा
फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने डॉपलर इफेक्ट पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें क्वेश्चंस भी करवाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुज एम्पलीट्यूड इज 5, फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी 500 मीटर पर। प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, y इक्वल्स टू a साइन, यहाँ पे साइन के फॉर्म में आंसर दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, जहाँ f फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे 2π और f कितना दिया हुआ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 500π, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 500π। और स्टूडेंट्स के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई बी। तो स्टूडेंट ओमेगा है 500π और यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी कितनी दी हुई है 500, तो 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा पाई। तो स्टूडेंट वैल्यू अगर, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर। तो स्टूडेंट प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो होगा वाई इक्वल्स टू 0.05 साइन, और ओमेगा की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो है 500π टी माइनस के की वैल्यू है पाई एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वाई इक्वल टू 0.05 साइन, यहाँ पे पाई देख लीजिए कॉमन है, तो 500π हो गया ओमेगा की वैल्यू और पाई हो गया के की वैल्यू। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय वाई इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t वेयर द न्यूमेरिकल वैल्यू आर इन SI यूनिट्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा के साथ टी होता है और के साथ एक्स होता है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं एक्स के साथ क्या है के है, तो के की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 दी हुई है और ओमेगा की वैल्यू 3 दी हुई है, और आपसे वैल्यू पूछा हुआ है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का। तो स्टूडेंट्स 2πf इक्वल टू क्या होता है ओमेगा, तो 2πf इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा 3/2π। और स्टूडेंट्स अगर आप 3/2π की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.477 आएगा, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स f की वैल्यू कितनी है 0.48 हर्ट्ज। तो f की वैल्यू हमें कितनी मिल गई स्टूडेंट 0.48 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो इन फॉर्मुलों को जरूर ध्यान रखें कि k की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्जाम में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, 0.48 वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग शीट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी अनपोलराइज लाइट पड़ती है पोलराइजिंग शीट पे, तो अगर उसकी आई नॉट वैल्यू है अनपोलराइज लाइट की, तो जो इंटेंसिटी वहां से पार होती है किसी भी डायरेक्शन में वो आई नॉट बाई 2 ही होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ एनालाइजर लगाते हैं, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से वैरी करता है। अगर हम एंगल यहाँ पे थीटा कर देते हैं तो ये आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा के हिसाब से वैरी करता है। आई नॉट बाई 2 ही ट्रांसमिट होती है, तो कितनी ट्रांसमिट नहीं होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच नॉट गेट ट्रांसमिटेड, तो आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 2। तो स्टूडेंट आई नॉट बाई 2 जो हमारी इंटेंसिटी है वो ट्रांसमिट नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी जो है ट्रांसमिट नहीं होती है, क्योंकि जब हम पोलराइजिंग सीट लगा देते हैं तो हमारा आई नॉट बाई 2 ही ट्रांसमिट होता है, आई नॉट बाई 2 ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इफ अल्फा बीटा गामा आर कोफिशियंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम, अल्फा बीटा गामा अगर दिए हुए हैं और वो लीनियर सरफेस और वॉल्यूम एक्सपेंशन है, तो उनका यहाँ पे क्या रेशियो होगा। तो आप देख सकते हैं पहले तो आप जानते हैं कि गामा, तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि गामा इक्वल टू क्या होता है 3α और बीटा इक्वल टू होता है 2α, अल्फा बीटा गामा जो रेशियो 1:2:3 का है। तो स्टूडेंट जिसका मतलब यहाँ पे देखते हैं बीटा बाई अल्फा, तो ये 2/1 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बीटा बाय गामा तो बीटा 2α होगा और गामा 3α होगा, 2/3, तो ये करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। तो सेकंड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है देख लीजिए अल्फा बाय गामा, तो ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है गामा बाय बीटा।
क्वेश्चन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई टी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए? स्टूडेंट्स ये डायमेंशन का बेसिक क्वेश्चन है और आप जानते हैं हम उन्हीं क्वांटिटीज को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो स्टूडेंट जो बी की डायमेंशन है वही ए की डायमेंशन होगी। तो जो बी की डायमेंशन होगी ए की डायमेंशन होगी क्योंकि इसके इक्वल है, और वही स्टूडेंट्स किसकी डायमेंशन होगी? बी टी की डायमेंशन होगी। अगर इसमें ए बी सी की भी डायमेंशन पूछ देता तो आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते थे इक्वेट करके, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ए की डायमेंशन पूछा हुआ है तो जो ए की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? वेलोसिटी की डायमेंशन के बराबर होगी। स्टूडेंट्स तो कितनी होती है वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है, बी इक्वल टू एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल और टाइम डिवाइडेड में है तो एल टी माइनस वन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो एक ही डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि 2017 बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए थे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर बीएचयू मैथ्स ग्रुप्स और बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार एंट्रेंस देने वाले हैं। अगर बोर्ड स्टूडेंट्स जो कि स्टार्ट किए हैं अभी पढ़ना, बोर्ड में गए हैं, अगर वो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्टूडेंट बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एग्जाम काफी पास है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरीज हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फर्दर मैं अभी कोशिश करूंगा कि फॉर्मूलेज की वीडियोज भी आपको प्रोवाइड करा सकूं और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और भी करवा दूं जिससे आपको काफी हेल्प मिले। तो स्टूडेंट जो भी टॉपिक मुझे दिख रहा है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा, उससे रिलेटेड और भी थ्योरीज भी बता देता हूँ उसी क्वेश्चन में, जिससे आपको फर्दर अदर क्वेश्चंस करने में भी हेल्प मिले और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से हमें फॉर्मूले को याद रखना चाहिए कि डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल पे अप्लाई कर सकें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।